दोस्तों आज बात करते हैं भारत में जो पॉलिसी है कुछ स्टेट में लाई गई है, दिल्ली में ऑलरेडी आ गई है कि 10 साल में जो गाड़ियां हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। रीज़न पोल्यूशन का बताया जाता है, पर क्या ये वाकई पोल्यूशन का रीज़न है? पहली बात तो 10 साल में हर आदमी की गाड़ी बराबर नहीं चलती, कोई 1 लाख चलाता है, कोई 10 लाख भी चला सकता है। दूसरा, पोल्यूशन इंजन करता है, इंजन बदला भी जा सकता है। और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप पुरानी गाड़ी को भी CNG और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर डिस्कार्ड क्यों? पूरे के पूरी गाड़ी अगर उसकी अच्छी कंडीशन में है तो क्यों डिस्कार्ड किया? यहाँ USA कनाडा में ऐसा कोई लॉ नहीं है, 25 साल 30 साल पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं, आप उसको जो है सर्टिफाई कराइए, ईयरली इंस्पेक्शन कराइए, इंश्योरेंस कराइए और चलाइए। उसके बाद जो भी होगा तो वो इंश्योरेंस और आपके बीच में है। और सभी गाड़ियाँ अच्छी तरह चलती हैं, मेंटेन है। भारत में गाड़ियाँ जो है ठीक है, कुछ रोड ख़राब हैं पर कुछ रोड अभी बहुत अच्छी भी हैं। तो 10 साल एक बहुत ही छोटी लाइफ है गाड़ी की, जबकि रोड टैक्स शुरू में 15 साल ले लिया जाता है, तो फिर 10 साल का डंडा क्यों? रीज़न पोल्यूशन से ज़्यादा कमर्शियल है, क्योंकि अगर गाड़ियों की पोल्यूशन देखा जाए, पहली बात तो गाड़ियां आजकल नई किस्म की आ गई हैं, पिछले 10 साल वाले से भारत 4, 5, 6 इस तरह के पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, तो पोल्यूशन लेवल बहुत ही कम है। आजकल रेयरली आपने किसी गाड़ी को धुआं मारते हुए, सफ़ेद धुआं छोड़ते हुए रोड के ऊपर देखा हो, शायद ही कोई गाड़ी को देखा हो, क्योंकि गाड़ियों की टेक्निक में बहुत फ़र्क आ गया है। तो अभी और पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे डिस्कार्ड हो रही हैं, तो ऐसा रूल लाने का कोई मतलब नहीं। रही बात पोल्यूशन की, गाड़ियों का जो पोल्यूशन है टोटल पोल्यूशन का 3 से 5% भी नहीं, पर डंडा गाड़ियों के ऊपर में है। इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, 10 साल का रूल है, पर इंडस्ट्री में पावर कट हर स्टेट में लगते हैं, जनरेटर्स हैं, कोई भी जनरेटर्स उनका किसी इंडस्ट्री में 10 साल में डिस्कार्ड नहीं रहता। 15 साल 20-25 साल पुराने जनरेटर जी, और यहाँ तक कि जो भारत सरकार है खुद उनके जो अदारे हैं वो 15 साल 20 साल पुरानी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट 20-25 साल पुराने हैं, रेलवे के इंजन 20-25 साल पुराने और चल रहे हैं, तो उन पे कोई डंडा नहीं, सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में है कि ताकि मैन्युफैक्चरर का जो प्रेशर है कि और गाड़ियां बेची जाएँ और नई गाड़ियां बेची जाएँ उस पे को कैसे ना कैसे लागू किया जाए। अभी देखिए क्या ट्रिकी सिचुएशन है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गाड़ी खरीद लेता है, 8 साल बाद अगर उसकी पोस्टिंग दिल्ली में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या डिफेंस के एम्प्लॉई फौजी बहुत सारे भुगत रहे हैं, और दिल्ली में पोस्टिंग आई तो सबसे पहले उसको अपनी गाड़ी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली में आप 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते। तो उसका क्या कसूर है कि वो दिल्ली पोस्टिंग आया और उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़े जो उसने 8-9 साल से संभाल के रखी थी? बिल्कुल गलत बात है। अब किसी आदमी को नहीं पता वो पंजाब से गुजरात जा रहा है, दिल्ली के थ्रू गुजरता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, वो सिर्फ एक ट्रांजिट है, वो दिल्ली में रहता नहीं है, उसको पकड़ लिया जाता है कि गाड़ी 10 साल पुरानी है। तो भारत में एक ही कानून क्यों नहीं है? 10 साल लागू करना है तो गाड़ियों की कीमत घटाइए, टैक्स घटाइए, क्यों 10 साल? जो कानून देखने वाले हैं, जो करने वाले हैं गाड़ियों के ऊपर में, भारत में 50% से गाड़ियाँ जो रीसेल में हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती, एक्सीडेंट के बाद ही पता लगता है कि गाड़ी 2 या 3 बार बिक चुकी है, ऑनर का असली ऑनर का पता नहीं, ना ही इंश्योरेंस होता है, और एक्सीडेंट के केसों में बहुत कम केस में मुआवजा मिलता है, और पता ही नहीं रहता, चलाने वाला छोड़ के भाग जाता है कि गाड़ी किसकी है। उसी प्लेट के ऊपर 2-3 ऑनर चेंज हो जाते हैं, क्यों नहीं हम प्लेट को चेंज कर देते हैं? जैसे कि यहाँ होता है कि जब आप गाड़ी बेचते हैं आप अपनी प्लेट उतार लेते हैं, नया ऑनर नई प्लेट लगाता है जो उसको उसके नाम पे रजिस्टर्ड होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हमने लागू करे थे, पर अभी तक 20 साल में हम उस सिक्योरिटी प्लेट को लागू नहीं कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारी इच्छा शक्ति है वो नहीं है, तो एजेंडा कहीं और है। 10 साल में गाड़ियों को डिस्कार्ड करने वाला रूल बिल्कुल गलत है, और एक आम आदमी जो अपनी गाड़ी मेंटेन करता है
उसके लिए 15 से 20 साल गाड़ी उसकी जो अच्छी कंडीशन में रहती है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा लोगों की जेब के ऊपर और इसका फ़ायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स को होगा, लोग इसमें पिसेंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो, शेयर करिए और आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करिए अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।